हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शाजिया अंजुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक बहुत मज़ेदार सा मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन पुलाव बनाने जा रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है ये और झटपट से बन जाती है और लाजवाब है। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। पर्सनली मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और ये कोलकाता की रेसिपी है ये, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुकर में ऑयल डाला है और इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालूंगी। यहाँ पे चार बड़े साइज़ का प्याज मैंने डाला है, बारीक टुकड़ों काट करके इसे फ्राई कर ले रही हूँ। प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी, प्याज का मिठास इस पूरे पुलाव में बहुत अच्छी तरह से आता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर प्याज भूनते हुए मैंने खड़े गर्म मसाले भी शामिल कर लिए हैं और बस उसे थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे मटन को। और मटन को डालने के बाद प्याज में खूब अच्छी तरह से मटन को फ्राई करेंगे ताकि मटन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और वो खूब अच्छी तरह से भुन भी जाएगा। और फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से मसाले जाएंगे इसमें, बहुत थोड़े से मसाले जाएंगे, लेकिन इसमें गर्म मसाला और प्याज का पूरा फ्लेवर रहेगा। तो यहाँ पर मसाले में डालूंगी मैं धनिया का पाउडर और नमक, टेस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें आप, और रेड चिल्ली पाउडर डालना है और गर्म मसाला डालना है। ये गर्म मसाला घर का बना हुआ है। मैं गर्म मसाले की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप घर में गर्म मसाला बनाकर डालें, इसका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत अच्छा आता है। मार्केट में जो गर्म मसाले आते हैं उसमें वो मज़ा नहीं आ पाता है। तो बस पानी डाल देना है इसमें, थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाला है मैंने, और इसे प्रेशर लगा लेना है। भूनते हुए जितने मसाले डले और मटन भूनता रहा लगातार तो बहुत अच्छी तरह से भून जाता है, तो थोड़े से पानी में फ़ौरन से गल जाता है। तो मटन को प्रेशर लगा दी और यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो घी में ही, कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है पुलाव में घी का। तो घी में मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और उसे निकाल लिया है, प्याज को निकाल लेना है। और उसी घी में आलू को भी फ्राई करेंगे। आलू में थोड़ा नमक शामिल कर लेंगे और इसे ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आलू बड़ा अच्छा सोंधा सोंधा सा टेस्ट आ जाता है आलू में। और यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं खड़े गर्म मसाले, जिसमें लिया है शाहजीरा, काली मिर्च, स्टार और जावित्री। और इसे इसमें ही राइस भी अपना, मैं वॉश करके राइस को रख ली थी, तो राइस को ऐड कर देंगे और घी में राइस को भूनेंगे। तो राइस में, राइस बड़ा अच्छा खिला खिला भी बनेगा और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो हल्के हाथों से घी में राइस को भून लेना है और फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप राइस लिया है, तो 6 कप पानी डालेंगे। राइस का हमेशा डबल पानी डालिए तो पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो पानी डाल दिया मैंने और अब इसे मिला लेंगे और फिर चेक कर लेते हैं मटन को। मटन हमारा भुन गया है, तो ये देखिए मटन बहुत अच्छी तरह से पक गया और ये भुन भी गया, ऑयल कितना अच्छा रिलीज़ हो गया है। तो मटन भुन कर रेडी है, तो बस इसे शामिल कर दीजिए अपने पुलाव में और एक साथ फिर थोड़ी देर पकेगा और फिर दम पे जाएगा, तो पूरे चावलों में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, बिल्कुल भुना हुआ मटन है तो मिला लेना है बहुत अच्छी तरह से और बस इसे ढककर पकने देना है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छा इसके चावल में ना बिल्कुल खाने के बाद आपके ज़बान पे टेस्ट छोड़ जाएगा। इसकी राइस इतनी टेस्टी होती है। और यहाँ पर मैंने दम लगाने के टाइम वो जो प्याज फ्राई करके निकाला था, तो प्याज को ऊपर से पुलाव के ऊपर डाल दी थी और बस दम लगा ली हूँ। और ये देखिए तैयार है ज़बरदस्त किस्म का मटन पुलाव। तो ज़रूर बनाइएगा और इसे इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।